नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चैनल डीएस मल्ली वाला और स्वागत है आपका एक फिर से नई वीडियो में। ये 10 एचपी का लिस्टर इंजन है, इसके बैरिंग ख़राब हो चुके हैं तो इसके बैरिंग चेंज करने हैं बिना सारा इंजन खोले, और हम इसकी सिर्फ क्रैंक ही निकालेंगे। क्रैंक कैसे निकालेंगे, भील कैसे निकालेंगे, ये देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए लार्सन कंपनी का ये इंजन है 10 HP। तो ये देखिए हम इस पे पुली निकालेंगे, पहले भील निकालने के लिए सबसे पहले पुली निकाल लेंगे, क्योंकि पुली भी काफ़ी जाम हुई पड़ी है ये, क्योंकि जंग ने जकड़ लिया है। तो इस तरह से पहले हम पुली को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पुली को निकाल लिया है, ये काफ़ी टाइट निकली है पुली। अब हम भील की चाबी निकालेंगे, भील को पहले पीछे की ओर खिसकाएंगे ताकि चाबी ढीली पड़ जाए, क्योंकि चाबी की जगह छोड़ देगा ये भील, तो फिर चाबी आराम से निकल जाती है। ये देखिए हम राउंड शेप की चीज़ इसमें रखेंगे, ये छोटे इंजन की 8 HP सिंगल भील वाले की ये ठोकर पिन है, इसको हम इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि ये इसकी घुंडी पर टकरा जाए और नीचे जहाँ पर रखी हुई है वहाँ नीचे ना रहे ये। तो इस तरह से हम खींचेंगे, अभी ये टाइट है तो हम थोड़ा सा भील को पीछे की ओर और लग इसको ठोकेंगे ताकि लूज हो जाए। ये देखिए पीछे हो गया है भील, और अब हम इस पे गजन पिन की गुंजाइश बन गई है। ये गजन पिन, अब बड़ी वाली गजन पिन रखी है लिस्टर इंजन की। ये देखिए अब ये भी ढीली पड़ गई है, तो ये अब हम मोटी गजन पिन रख रहे हैं, 102 mm की गजन पिन है ये, इसको लगा करके हम इस तरह से चाबी को निकाल लेंगे। अब ये हथौड़े की मदद से निकालेंगे, ऐसे ऐसे हम बढ़ाते रहेंगे इसकी मोटाइयाँ, इस तरह से हम ये निकाल लेंगे चाबी को। अब ये देखिए अब दूसरी साइड पर आ गए हैं, इस साइड का भील भी हम इस तरह से पीछे को ठोक लेंगे। ये देखिए इसमें भी गैप कम है, तो हम इसमें पीछे एक छैनी लगाएंगे और ये गजन पिन लगाएंगे इस तरह से, नीचे ना टकराए और ये घुंडी पर ही इसका दबाव आना चाहिए ताकि आसानी से ये खिंच जाए बाहर। इस तरह से ये गजन पिन को हम, ये देखिए ये भी निकल चुकी है चाबी। अब हम कुछ मोटा और करेंगे, इसको हथौड़े की मदद से निकाल लेंगे। ये डबल गजन पिन करनी पड़ी है क्रॉस करके, और 102 mm की गजन पिन, दोनों गजन पिन लगा करके हमने इसको निकाल लिया है। ये देखिए निकल चुका है। अब हम इसको साफ करेंगे, क्योंकि इस पर जंग है काफ़ी, तो भील टाइट आएगा, तो इसलिए हम क्रैंक को रेत से घिस लेंगे। और अब हम इस तरह से घुमाकर एक भील को रोक लेंगे, एक डंडा डाल लेंगे लकड़ी का, ताकि भील और क्रैंक जगह पर रुकी रहे, और दूसरा भील घूम करके ये देखिए इस तरह से निकल जाए। ये देखिए ये आसानी से ये भील निकल चुका है। एक भील को निकाल लिया है,
ये ऑयल प्रेशर पाइप खोलेंगे ताकि हमारा होजिंग आसानी से निकल जाए। ये ऑयल प्रेशर पाइप क्योंकि ये इस होजिंग के अंदर टकराएगा इसलिए ये खोलना ज़रूरी है। ये हमने इस तरह से होजिंग को इधर के निकाल लिया है हमने। अब ये देखिए क्रैंक को बाहर निकालना पड़ेगा तो हमने दूसरी साइड का व्हील भी निकालना है। पीछे से खड़ा हो जाए तो इस तरह से दूसरे व्हील को भी हम निकाल लेंगे। अब हमें पिस्टन को ऊपर ही रोकना है। हम बार लिफ्टर नहीं लगाएंगे, कंप्रेसर बना रहने देंगे और पिस्टन को ऊपर की ओर करके ये नीचे वाला कैप खोल लेंगे कनेक्टिंग रोड का और क्रैंक को नीचे की ओर कर लेंगे। और ये हमारी कनेक्टिंग रोड देख रहे हैं, ये ऊपर ही टंगी रह जाएगी। इस तरह से दूसरा होजिंग भी खोल कर पेचकस की मदद से इसको हटा लेंगे। ये देखिए काफ़ी टाइट है तो ये निकल गया है। ये पैकिंग वगैरह हम दूसरे ही लगाएंगे क्योंकि ये ख़राब हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से हम क्रैंक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए आसानी से हमारी क्रैंक बाहर आ चुकी है। अब हम इसके बैरिंगों को एक रोड के माध्यम से हम इसको बैरिंग को निकाल देंगे। एक बैरिंग निकल चुका है, ये देख लीजिएगा। अब ये दूसरी साइड का बैरिंग भी हमने इस तरह से निकालना है। ये देखिए बैरिंग ये वाला भी निकल चुका है। मित्रों ये वीडियो यहीं तक है, आगे फिटिंग करते वक्त की वीडियो हम आगे बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।